जितने भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड से टेंथ के एग्ज़ाम देने वाले हैं 2022 में, उनके लिए एक बड़ा अपडेट है। उनका लिए रजिस्ट्रेशन करने का यानी पंजीयन करने का डेट फिर से जारी कर दिया गया है। चलिए इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कौन ऐसा स्टूडेंट है जिनका रजिस्ट्रेशन फिर से करना होगा और कितना पैसा लगेगा, कौन कास्ट के कितना पैसा लगेगा और कब से कब रजिस्ट्रेशन तक होगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे होगा कि जब भी इससे रिलेटेड हम नोटिफिकेशन डालेंगे, वीडियो डालेंगे, आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं अपडेट क्या है। दोस्तों, जो स्टूडेंट 2022 में एग्ज़ाम देने वाले हैं टेंथ का, उनके लिए एक बड़ा अपडेट है। जो स्टूडेंट किसी कारणवश 2022 में एग्ज़ाम देने वाले हैं और वह किसी कारणवश 2022 में एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए थे यानी रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं भर पाए थे, रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए थे, उनके लिए एक बड़ा अपडेट है। वह अपडेट क्या है कि वह फिर से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उनके लिए एक अलग से डेट जारी किया गया है, 9 जुलाई से 15 जुलाई के बीच वह रजिस्ट्रेशन फिर से कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, वह स्टूडेंट कर पाएंगे जो अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराए थे। फरवरी में जारी किया गया था रजिस्ट्रेशन कराने का डेट, 16 फरवरी 2021 को जारी कर दिया गया था रजिस्ट्रेशन करने का डेट, ठीक है, और उसमें नहीं करा पाए थे वैसे स्टूडेंट अब से फिर से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कब से कब करा सकते हैं? तो 9 से 15 जुलाई तक आप लोग फिर से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। दूसरा मौका है आप लोगों का या आखिरी मौका है, इसके बाद नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर नहीं कराया है तो रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं कि पैसा कितना लगेगा। यहाँ पर देख सकते हैं 220 रुपये लगेगा निम्न कोटि का और जो 320 रुपये लगेगा जनरल और ओबीसी का शुल्क जमा करना होगा, ठीक है दोस्तों। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप लोग करा सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचा दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।